हेलो फ्रेंड्स, योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे दिमाग को तेज करने के लिए और याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ आसान और घरेलू उपाय। आप ऐसा क्या खाएं जिससे आपकी याददाश्त और दिमाग जो है वो तेज हो। दिमाग और याददाश्त को तेज करने के लिए आप आजकल देखते होंगे कि मार्केट में अनेक प्रकार के ब्रेन टॉनिक, सिरप या टैबलेट उपलब्ध हैं। आप उनको खरीद के खा सकते हैं और आप लोग शायद खाते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ये जो मेडिसिन या टैबलेट या ब्रेन टॉनिक लेते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फ्रेंड्स, एलोपैथी में अगर आप कुछ भी ऐसा खरीदते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। आज मैं आपको कुछ नेचुरल चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको खाकर आप अपने ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग और शार्प कर सकते हैं, जो आपके अपने ही घर में, आपके अपने ही किचन में आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको खाके अपने ब्रेन को आप शार्प कर सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। नंबर एक फ्रेंड, जामुन। जामुन के सेवन से आप दिमाग की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जामुन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज चलाने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। नंबर दो है फ्रेंड्स, हल्दी। हल्दी में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व दिमाग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करता है। हल्दी सेवन करने से आपका जो दिमाग है वो स्वस्थ रहता है। नंबर तीन है फ्रेंड, तुलसी। तुलसी में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हृदय और मस्तिष्क के रक्त में सुधार करते हैं, तो फ्रेंड तुलसी बहुत ही लाभकारी है। नंबर चार है आंवला। आंवला में पाए जाने वाले विटामिन सी दिमाग को ठंडक प्रदान करते हैं और आंवले में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत होती है, इसलिए आंवले के सेवन से भी आपका मस्तिष्क का, आपका पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा। नंबर पांच है फ्रेंड्स, बादाम। बादाम के बारे में हर कोई जानता है कि बादाम को भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है और बहुत से लोग ये करते भी हैं और अपने बच्चों को बादाम पीस कर उसको दूध में मिलाकर देते भी हैं। ऐसा करने से भी आपकी जो ब्रेन पावर है वो ठीक होती है। नंबर सिक्स है फ्रेंड, काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर बनाकर मक्खन और मिश्री के साथ खाने से, सेवन करने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। हाँ जी फ्रेंड, आप साबुत काली मिर्च लीजिए और उसको खुद पाउडर बना लीजिए और उसको मिश्री के साथ या मक्खन के साथ आप उसका अगर रोजाना सेवन करते हैं तो आपके दिमाग की कमजोरी दूर होती है। नंबर सात है फ्रेंड, अखरोट। अखरोट में विटामिन ई होता है जो हमारे दिमाग को तेज करने में अहम भूमिका निभाता है और अखरोट के विषय में भी हर कोई जानते हैं। तो फ्रेंड, ये सात चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करके आप अपने दिमाग को, अपने याददाश्त को तेज कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। ये सब चीजें फ्रेंड कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये फ्रेंड आप अपने किचन में रखते ही हैं, तो इसको स्पेशल कुछ खरीद के लाना नहीं है, आपको अपने किचन में से ही लेना है और इसका सेवन करना है और अपने दिमाग को, अपने बॉडी को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए। फिर किसी जानकारी के साथ किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।